नमस्कार, मैं प्रीक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। दो वर्ष के समय में भी नहीं बन सकी रईस नगर गांव के एकमात्र रास्ते की पुलिया। भारी बारिश में बह जाता है रास्ता, राहगीरों को आवागमन में होती है असुविधा। ग्यारसपुर तहसील के धौखेड़ा पंचायत के ग्राम रईस नगर में विगत दो वर्षों से सड़क एवं पुलियों का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन आज दिनांक तक पुलियों का निर्माण नहीं होने के चलते राहगीरों को आवागमन में समस्या का सामना करना पड़ता है। राहगीर रामसेन ने बताया कि अधिक बारिश में अस्थायी पुलिया बह जाती है और हमारे गाँव को जाने वाला यही एकमात्र रास्ता है, जिस कारण बारिश के चलते आवागमन बंद हो जाता है। बीमार मरीजों को खाट पर लाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ता है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विदिशा ग्यारसपुर से कैमरामैन सीताराम कुशवाहा के साथ आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। कहाँ के निवासी हो? अच्छा, ये पुलिया कब से बन रही है? यही दो साल। अच्छा, ये पुलिया बारिश में क्या होता है, मतलब ऐसी बारिश में तो बह जाते हैं। बह जाते हैं। हाँ। फिर कैसे निकला? तो फिर कैसे निकलना, फिर कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, ये जो मरम्मत करी है ये किसने, ठेकेदार ने कराई आप लोगों ने? ठेकेदार ने कराई। अच्छा, ठेकेदार ने कराई। जब खबर करो जब आ जाते। अच्छा, आप लोगों ने नहीं कराई? नहीं नहीं। इस पे दुर्घटना वगैरह कुछ नहीं? अभी तो कुछ नहीं है, कोई आना जाना बंद है। आना जाना बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। इस गांव में आपके कोई और रास्ता है क्या? और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। थोड़ी बहुत बारिश में ही जो है ये पुलिया बह जाते हैं, तो रास्ता बंद। कितने घर हैं गांव में, कितने लोग हैं लगभग? 40-45 हज़ार हैं। 40-45 घर हैं।